हेलो, वेलकम बैक टू माय रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ भरुआ प्याज की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही यम्मी बनती है। देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं हो तो प्याज की बना सकते हैं। इस तरीके से भरुआ प्याज बहुत ही टेस्टी बनती है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बनाना शुरू करते हैं आप सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने 8-10 प्याज लिए हैं। इनको छोटी साइज़ का प्याज लिया था मैंने, और साइड में से कट कर दिया था, दोनों साइड से। बीच में से कट नहीं करना है, प्याज को साबुत ही रखना है। और यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैंने लहसुन लिया 8-10 कली, और आधी हरी मिर्च, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, और एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, और आधा ही टमाटर लिया है मैंने, कट कर लिया। और 2 चम्मच दही लिए हैं, 2 चम्मच ही मलाई के लिए मैंने। तो सबसे पहले ग्रेवी तैयार कर, तो इनकी सबकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। मलाई और दही को बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक पैन लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। और अब इसको प्याज को फ्राई करना है। तो फ्राई जब तक करना है जब तक ये गोल्डन हो जाए प्याज, गोल्डन गोल्डन ब्राउन, तो तब तक ये प्याज को भून लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा भुनने लग गया है प्याज। और जब ये भुन जाएगा तो इसको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, भुन चुका है अच्छे से प्याज। तो ये अब अच्छे से भुन चुका है, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अलग बर्तन में। और यहाँ पे उसी तेल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। 2-3 लौंग है, 2-4-5 काली मिर्च, और तेज पत्ता है। तो ये पक जाए उसके बाद में जो ग्रेवी तैयार की थी वो डाल दी मैंने इसमें। और यहाँ पे मसाला ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लिया था, और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी, और ये नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। अब यहाँ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें कलर के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप करते हैं, पर कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अब पकने देंगे। तो अब इसको पकने देंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए इससे। तो ये देखिए, बीच बीच में देखते रहेंगे, ये तो आधा पक चुका है मसाला, और अभी पूरी तरीके से नहीं पका है, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। ये देखिए, अब पक चुका है इसमें। अब इसमें मलाई ऐड कर देंगे, जो मलाई ली थी मैंने, तो 2 चम्मच मलाई ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये डाल दी मलाई, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मलाई से और दही से। तो ये देखिए, अब इसको भी पकने देंगे 1-2 मिनट के लिए, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और जब ये पक जाएगी इसके बाद में इसमें दही ऐड करेंगे। तो अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर। तो इसको भी बीच बीच में देखते रहेंगे। और अब ये देखिए, ये भी पक चुकी है। तो अब यहाँ पे जो दही लिया था वो भी डाल देंगे। तो 2 चम्मच मैंने दही ऐड कर दिया इसमें, और इसको अब थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हिलाएंगे, ताकि मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, वरना दही फट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, और अब तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर दी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो ये डाल दिए, और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ ग्रेवी अपने मनपसंद रखे, तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने गैस का, तो अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे अभी। और उबाल आ जाएगा तब प्याज ऐड कर देंगे इसमें। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तो थोड़ा थोड़ा उबाल आ चुका है, तो अब मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। तो सारे प्याज डाल दिए मैंने इसमें, और अब इसको उबलने देंगे, पकने देंगे प्याज को। तो 4-5 मिनट के लिए लो, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे इसको, ताकि अच्छे से पक जाए ग्रेवी और प्याज। तो ये देखिए, पक चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया थोड़ा सा, और अलग बाउल में सर्व भी कर लिया, और धनिया डाल दिया थोड़ा सा ऊपर से। तो बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।